हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन चेटीनाड की रेसिपी। दिस इज सो फ्लेवरफुल एंड स्पाइसी एंड एरोमेटिक। इट्स अ साउथ इंडियन डिश और बहुत ही मज़े की रेसिपी है विद द फ्लेवर्स एडेड इनटू इट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस दूंगी। तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ चिकन चेटीनाड इज द मैरिनेशन प्रोसेस। तो इसमें हमें सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना होगा। तो मैरिनेट करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं, ये हमने 1 kg चिकन लिया है, उसके लिए हमने लिया है हाफ टेबल स्पून फुल ऑफ रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची आधा चम्मच, 1/4 tablespoon फुल ऑफ सॉल्ट एंड 1/4 tablespoon फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड दिस 1 whole लेमन जूस। तो सबसे पहले हम इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे चिकन में, रेड चिली सॉल्ट, टर्मरिक एंड द लेमन जूस, और इसे हमें अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेना है और इसे तकरीबन मिनिमम आधे घंटे का, और इसे ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम भी नहीं है इसका, हाफ एन आवर। तो इसे हमें आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना होगा, फिर हम अपनी आगे की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये हमने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है, अब हम इसे आधे घंटे का रेस्टिंग टाइम देंगे और हम हमारी आगे की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है, अब हम हमारी आगे की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें मसालों को भुनना होगा। तो मसालों को भुनने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है, ये हमने 8 अगर देगी मिर्ची ली है, सूखी लाल मिर्चेस, ड्राई रेड चिलीज हमने 8 ली है, क्योंकि ये चेटीनाड चिकन स्पाइसी होता है तो इसमें सूखी लाल मिर्ची ज़रा ज़्यादा जाती है और इसमें ग्रीन चिली का इस्तेमाल नहीं होता है तो लाल मिर्चें थोड़ी ज़्यादा ही होती हैं। दिस इज़ 1 tablespoon फुल ऑफ कोरिएंडर सीड यानी धनिया पाउडर, 1/2 tablespoon फुल ऑफ ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर, 1/2 tablespoon फुल ऑफ सॉल्ट एंड 1/2 tablespoon फुल ऑफ ज़ीरा। और गर्म मसालों में हमने लिया है 2 दालचीनी, 1 बड़ी काली इलायची, 8 अगर लौंग, 1 स्टारनीस चक्रफूल और 5 अगर हमने हरी इलायची ली है। और इन सभी चीज़ों को हमें रोस्ट करना है, तो उसके लिए हमने पैन में गैस पे पैन रख दिया और पैन में हमने 2 चम्मच ऑयल डाला है और अब इन सारे मसालों को हम इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनना है तब तक जब तक एक अच्छा सा अरोमा, एक एरोमेटिक स्मेल जो इन मसालों की भूनने के बाद होती है वो इसमें से शुरू होना स्टार्ट हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे ड्राई मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, तकरीबन 1 मिनट हो चुके हैं, और इस स्टेज पर जब हमारे ये मसाले भुन जाए तब हम इसमें कोकोनट शामिल करेंगे। ये हमने 1/2 कोकोनट लिया था, फ्रेश कोकोनट, और तकरीबन इस कप के मेजर से ये 1 कप था, हमने होल हाफ कोकोनट लिया था फ्रेश, जिन्हें हमने इस तरह से चॉप कर लिया, और इसे भी हमें अच्छा हल्का ब्राउन होने तक भुनना है और अच्छी सी महक इसमें से आ गई गाइस। और ये जब भुन जाए तो इसके बाद हमें इसे ठंडा होने रखना है, ठंडा होने के बाद हमें इसका फाइन पेस्ट तैयार करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे कोकोनट्स भी भुन चुके हैं और इसे हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इस तक इसका जो कच्चापन हो निकल जाए, थोड़े से ड्राई हो जाए। अब हम हमारी गैस बंद करते हैं और ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसका फाइन पेस्ट करना है हमें। अब इसके बाद हम हमारी आगे की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमारे ड्राई मसाले ठंडे होते हैं, हमें प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है। तो हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जैसे हमने इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। अगर आपने अनियंस छोटे लिए तो 3 लीजिए, ये 4 से 5 अदरक के टुकड़े हैं, और ये 1 whole garlic हमने लिया था जिनका हमने पील कर लिया है। तो अब इसका पेस्ट बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है और हमने गैस पे पॉट रख दिया है गाइस। अब इसमें सबसे पहले जाएगा तेज़पत्ता, हमने 2 तेज़पत्ते डाले, 2 बेलीज,
और ये करी है। करी मिर्च शामिल करने के बाद हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था पत्ता और करी लीवन कड़ी पत्ते डालने के बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया था उसे हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हमें भुनना है तब तक जब तक कि प्याज और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक हमें इसे भुनना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन चुके हैं, हल्का सा इनका कलर चेंज हो चुका है और इन्होंने साइड से तरी छोड़ दी है। अब हमने जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था ये मैरिनेटेड चिकन हम इसमें शामिल करेंगे और इसे हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फास्ट गैस पर भुनना है ताकि चिकन की जो एक महक होती है और इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और जो ये पानी आफ्टर फ्राइंग चिकन हल्का सा पानी छोड़ते वो हल्का सा खुश्क हो जाए तब तक हमें इन्हें प्याज और अदरक लहसुन के साथ भुनना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने चिकन को मसालों में अच्छे से भून लिया है और मैं आपको पास आके दिखाती हूँ। ये देखिए आप करी देख सकते हो, मसालों ने करी छोड़ दी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून को, क्योंकि हमने मैरिनेशन के वक्त भी सॉल्ट शामिल किया था तो सॉल्ट ज़रा एहतियात से। और अब इसमें जाएगा ये हमने 3 टमाटरों का प्योरे बना के रखा है पेस्ट। ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, अगर आप बड़े साइज़ के ले रहे हो तो आपने सिर्फ 2 लेने। तो अब इसमें जाएगा टमेटो का पेस्ट और टमेटो का पेस्ट इसे शामिल करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे भी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम पकाएंगे कि जब तक ये टमाटर जो है सारे मसालों में अच्छी तरह से मिल जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटर मसालों में अच्छे से मिल चुका और आप देख सकते हो टमाटरों ने भी अपना एक तरी एक रंग छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर हमने जो मसाले भुने थे उसे हमने इस तरह से पीस लिया, इसका एक फाइन पेस्ट हमें बनाना है। इसमें हमने 1/4 कप ऑफ वाटर शामिल करके इसका पेस्ट बनाया था। अब इन मसालों को हमने इसमें डाल देना है और इसी मिक्सी में मैं तकरीबन 1 कप पानी डालकर इसमें शामिल करूंगी और फिर इसे हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक का दम देना है। दम पर हमें इसे ढककर पकाना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने मसालों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे तो पानी हमने 1 कप पानी हमने मिक्सचर के उसी जिसमें हमने मसाले पीसे थे उसी में हमने पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि कोई भी मसाला ज़ाया ना जाए। और इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इन्हें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ढककर पकाएंगे, तब तक जब तक ये अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता हमारा चिकन और अच्छी तरी नहीं आ जाती इसमें। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से कुक हो चुका है, बहुत अच्छी सी तरी इसमें आई है। सो अवर चिकन चटिनार इज रेडी। ये थोड़ी सी थिक ग्रेवी होती है तो इट हैज़ अ लिटिल थिक टेक्सचर ऑन इट। अब हम इसमें फ्रेश चॉप हरा धनिया गार्निश करेंगे और अब हमारी गैस जो है ऑफ करते हैं और अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमने इन्हें डिश आउट कर लिया है और बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े की रेसिपी है गाइस ये चिकन चटिनार। इफ़ यू आर अ स्पाइसी फूड लवर सो डू ट्राई दिस रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है, मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।